ओम साई राम, मैं नैना चाकू साई मुस्कान ट्रस्ट की तरफ से उन सभी दर्शकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे साथ दिल्ली की रिम्पी मल्होत्रा जी, जो साई बाबा की बहुत पुरानी भक्त हैं, वो हमें साई बाबा के बारे में अपनी जर्नी बताएंगी। ओम साई राम रिम्पी जी। ओम साई राम। बाबा हमारे सबके हैं, बाबा हमारे लिए सब कुछ है। मैंने जो कुछ पाया है बाबा से ही पाया है, शुक्राना मेरे साईं का। डिम्पी जी, बाबा के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहती हैं? मेरे पास बाबा से शेयर करने के लिए इतना कुछ है कि मेरी एक जिंदगी भी कम है, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी जो मैं कभी नहीं भूलती। 2007 में मेरा बेटा यूएसए में था, वो कहीं बच्चों के साथ घूमने के लिए बाहर निकल गया गाड़ी पे, उसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। हम लोग तब शिरडी में थे, शिरडी में फोन अंदर ले जाने नहीं देते। जब मैं रूम में वापस आई, 108 उसकी मिस कॉल देख के मैं घबरा गई। मैं फोन लेके द्वारका माई गई, खंडवा मंदिर गई और बाबा से प्रार्थना की, बाबा मैं नहीं वहां पहुंच सकती, आप पहुंच सकते हो। रोहन का फोन मुझे आया, मामा हम जंगल में फंसे हैं, यहाँ कोई नहीं है। मैंने कहा बेटा तुम जाओ, तुम देखो, वहां तुम्हें जरूर कोई मिलेगा। उसी जंगल में जहां वो चार बार चक्कर लगा के आया, उसे कोई नहीं मिला। उसी जंगल में जब मैं खंडवा मंदिर के बाद फोन किया, वो वापिस गया, उसका फोन आया मुझे, मम्मा मुझे यहाँ बाबा मिल गए। उसने कहा मम्मा जिस जगह पे मैंने चार बार चक्कर लगाया वहां कोई नहीं था, एक छोटी सी झोंपड़ी मिली। मैंने दरवाजा खड़काया, दो बुजुर्ग आदमी अंदर से निकले, एक औरत, हस्बैंड वाइफ दोनों, और सामने इतनी बड़ी बाबा की द्वारका माई की तस्वीर थी। उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम अंदर आओ। उन्होंने इसको खाना खिलाया, इसको चार दिन अपने पास रखा। बिल्कुल, चार दिन के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी इसको दी और कहा तुम जाओ। कुछ भी नहीं उससे लिया, यूएसए जैसी जगह जहां कोई एक दिन किसी को नहीं रखता, साक्षात बाबा ने मेरे बच्चे की रक्षा की। इससे ज्यादा मैं बाबा का कितना शुक्राना करूं, मेरी तो पूरी जिंदगी बाबा की, मेरा तो सब कुछ बाबा का। बहुत 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 धन्यवाद बाबा का, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना मेरे साईं का, शुक्राना पल पल, शुक्राना। वो हर पल मेरे साथ रहते हैं, मैं एक मिनट के लिए भी सोचती भी नहीं उससे पहले वो मेरी हर इच्छा पूरी करते हैं। मेरा सांस सांस बाबा का है, मेरा रोम रोम बाबा का है। बाबा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम साई राम, ओम साई राम। डिम्पी जी, ओम साई राम। हमें पता है कि बाबा हमेशा साथ रहते हैं, और डिम्पी जी आप तो ऐसे भी इतना कुछ करती हैं, और जैसे हमको पता है कि आप सेवादार हैं बाबा की, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जुड़ी रहती हैं, बहुत सारे चीज आप करती हैं। दिल्ली में आपको जानते हैं कि आप सेवादार हैं और बाबा के उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लगी रहती हैं आप। और कुछ आप बाबा से शेयर करना चाहती हैं बाबा के बारे में? बाबा की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैंने अभी आपको यूएसए, बातें बहुत होती हैं लेकिन जो बच्चों से जुड़ी होती हैं उसमें हमेशा अपने माँ बाप याद आ जाते हैं। इसी तरह रोहन जब यूएसए नया नया गया था तो बहुत परेशान रहता था। मैं सुबह काकड़ आरती में जाती हूँ 5:30 बजे, मैंने रात को हस्बैंड से बोला कि रोहन बहुत परेशान है वहां। उन्होंने कहा तुम जाओ बाबा के पास, वो उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। मैं सुबह उठी, मेरे घर में बाबा की एक तस्वीर थी, मैं जब सुबह उठी मेरी नजर गई, बाबा उसमें नहीं थे और वो तस्वीर खाली पड़ी थी। मैंने अपने हस्बैंड को आगे बताया, उन्होंने बोला आज तेरे बाबा तेरे बेटे के पास चले गए। उस दिन के बाद से रोहन ने कभी नहीं कहा कि मैं परेशान हूं, कभी नहीं। बाबा ने हर कदम रक्षा की है, हर कदम रक्षा की है। 7.5 साल रोहन वहां पे रहा, लेकिन एक दिन उसके बाद उसने नहीं कहा कि मैं परेशान हूं। बाबा हर वक्त उसके साये के साथ तरह रहे, और उसने खुद इस चीज को महसूस किया हमेशा, और मुझे बोला कि मम्मा बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं।
इससे ज्यादा मैं कितना शुक्राना करूं अपने साईं का। ओम साई राम, साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। बहुत सुंदर डिंपी जी, बाबा का जैसे आपने बताया कि रोहन के लिए यूएसए, बाबा अपने भक्तों के लिए कहीं भी कभी भी कहीं भी कोई भी मुश्किल में होता है बाबा जरूर पहुंचते हैं, और बाबा हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ हैं। बाबा के लिए कोई कंट्री कोई चीज मैटर नहीं करती, बाबा हर पल हमारे साथ हैं। बहुत खूबसूरत आपका अनुभव, बहुत सुंदर, और आपको साईं मुस्कान की तरफ से और हम सब की तरफ से ओम साईं राम।